ये स्टूडेंट्स हमें ऐसे इंटीग्रेट करना है इसे हम रैशनलाइज करेंगे यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडरवुड एक्स प्लस बी नीचे आ जाएगा एक्स प्लस ए का स्क्वायर एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी एंड डी एक्स एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ वन अपॉन ए माइनस बी कॉमन निकल जाएगा एक्स प्लस ए की पावर हाफ डी एक्स माइनस एक्स प्लस बी डी एक्स इसकी पावर हाफ़ इस तरीके से निकल जाएगा और हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर वन अपॉन ए माइनस बी यहाँ मिलेगा टू बाई थ्री एक्स प्लस ए पावर थ्री बाई टू माइनस टू बाई थ्री एक्स प्लस बी पावर थ्री बाई टू यदि हम वन अपॉन ए माइनस बी के साथ में टू और थ्री कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें इस तरीके से हमारा आंसर मिल जाएगा एक्स प्लस ए की पावर थ्री बाई टू माइनस एक्स प्लस बी की पावर थ्री बाई टू दैट्स इट बहुत ईजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू तो so स्टूडेंट्स आज हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस टू पाई बाई थ्री प्लस साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री हमें पता है कि कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो जीरो से पाई होती है और साइन इनवर्स की रेंज जो होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाय टू होती है कॉस्ट टू पाई बाय थ्री अपनी रेंज में लाई करता है इसलिए उसका वैल्यू बिल्कुल वही आएगा टू पाई बाई थ्री कॉस से कॉस कट जाएगा टू पाई बाई थ्री पर जो साइन है वो जीरो माइनस पाव बाय टू और पाई बाई टू के बीच में लाई नहीं करता है इसलिए हमें इसे सेकंड क्वाड्रेंट में लाना होगा हम इसे लिख सकते हैं वन एटी माइनस थीटा साइन वन एटी माइनस थीटा होता है साइन थीटा इसीलिए साइन टू पाई बाई थ्री की वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाय थ्री और जब साइन पाई बाय थ्री में आप पुट करेंगे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा पाई बाई थ्री दोनों वैल्यूज को यहाँ रखने पर हमें मिलेगा टू पाई बाई थ्री प्लस पाई थ्री इट इज थ्री पाई बाई थ्री 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 और आंसर विल विल बी पाई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस और किसी प्रकार की समस्याओं के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए थैंक यू